हेलो दोस्तों, एबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। लोक प्रशासन के अंतर्गत हम लोक प्रशासन के क्षेत्र को देखेंगे। तो प्रशासन का जो क्षेत्र है बच्चे, लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों की हमें ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारे सिलेबस के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र को देखने के लिए जो दृष्टिकोण हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे, उसके अंदर चार दृष्टिकोण हैं जो जिसके द्वारा हम लोक प्रशासन को समझने की कोशिश करें। यानी दृष्टिकोण, यानी जिसको दृष्टिकोण हिंदी में सब हिंदी के लिए दृष्टिकोण शब्द इस्तेमाल होता है बच्चे, और इंग्लिश में इसी को हम लोग अप्रोचेस बोलते हैं। और दूसरा, कभी कभी आप लोग सुनेंगे विधि। दृष्टिकोण और विधि में कुछ लोग बोलते हैं कि दृष्टिकोण और विधि में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के क्या है, प्राय हैं। लेकिन दृष्टिकोण और विधि में अंतर होता है बच्चे। दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि किसी विषय के सतह तक जाना, यानी किसी विषय की गहराई तक जाना, और गहराई तक जाकर उन चीजों को क्या करना, जानना, क्या होता है, दृष्टिकोण होता है। लेकिन दृष्टिकोण में आप सतह तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन किस विधि का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हमें विधि की भी जरूरत होती है। तो जनरली से यहाँ पे जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है बच्चे, और लोक प्रशासन के क्षेत्र में जिस जिस दृष्टिकोण को हमें देखना है, वहां पे एक तो पहले हमें देखना है सीमित दृष्टिकोण, जिसको हम लोग नैरो व्यू बोलते हैं। और जो लोक प्रशासन के अंदर जिनका सीमित दृष्टिकोण है, उसमें दो विचारक आ जाते हैं, एक तो साइमन और लूथर एंड गुलिक। लूथर गुलिक, साइमन और लूथर गुलिक ऐसे विचारक हैं बच्चे जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में संकुचित दृष्टिकोण अपनाया, यानी लोक प्रशासन को एक प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग मानते हैं जिसमें वो सिर्फ शासन को देखते हैं। यानी लोक प्रशासन जो है वो एक शासन करने वाली संस्था है, इसके अलावा वो लोक प्रशासन को और दूसरे रूप में नहीं देखते हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि सिर्फ लोक प्रशासन को आप एक शासन के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जबकि लोक प्रशासन जो है उसकी कई भूमिकाएं होती है। सिर्फ लोक प्रशासन जो है वो शासन ही नहीं करता है, लोक प्रशासन के अंदर तो नीतियों का भी निर्माण होता है, नीतियों को लागू किया जाता है, नीतियों का विश्लेषण किया जाता है। इसलिए इनका जो अप्रोच है बच्चे, नैरो क्यों, क्योंकि ये लोक प्रशासन में सिर्फ प्रशासन को एक शासन के रूप में देख रहे हैं। दूसरा जो दृष्टिकोण हमें देखना है बच्चे, वो देखना है व्यापक दृष्टिकोण, जिसको हम लोग ब्रॉडर व्यू भी बोलते हैं। अब जो व्यापक दृष्टिकोण है, इससे संबंधित कौन कौन से विचारक आते हैं बच्चे, तो एलडी वाइट, एफ एम मार्क्स, विलोबी, एफ ए निग्रो आदि जो विद्वान हैं बच्चे, ये लोक प्रशासन के क्षेत्र को, यानी लोक प्रशासन में क्या क्या विषय आएंगे, लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है, इसमें इन लोगों का जो अप्रोच था, जो बच्चे जो दृष्टिकोण था, वो एक प्रकार का व्यापक दृष्टिकोण है। व्यापक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि जो लोक प्रशासन है बच्चे, वो क्या करता है, नीतियों का भी, नीति जो होती है वो नीतियों का निर्माण करना, नीतियों का कार्यान्वयन करना, सिर्फ प्रशासन करना नहीं, प्रशासन तो करेगा ही, शासन, लोक प्रशासन में शासन होता है, शासन भी करेगा, नीतियों का निर्माण करेगा, नीतियों का क्या करेगा, क्रियान्वयन करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लोक प्रशासन है उसका एक प्रकार का क्या हो गया, व्यापक दृष्टिकोण हो गया। थर्ड जो दृष्टिकोण है बच्चे, जिसको हम लोग पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण भी बोलते हैं, और जो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण या जो पोस्ट कॉर्ब व्यू है बच्चे, वो लोक प्रशासन में किसने यूज में लाया था, तो वहां पे जो नाम हम देखते हैं बच्चे, वो लूथर गुलिक का देखते हैं। तो तुमसे सीधा कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि जो पोस्ट कॉर्ब व्यू है वो किससे संबंधित है, या पोस्ट कॉर्ब व्यू कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है बच्चे, तो वहां पे जनरली से हमें बताना है कि जो पोस्ट कॉर्ब व्यू है वो एक प्रकार से लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रतिपादित किया गया है वो लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यानी ये कंसेप्ट जो था वो लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया, और लूथर गुलिक ने एक संगठन के अंदर पोस्ट कॉर्ब का कंसेप्ट दिया था। यानी जो एक संगठन होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चे, उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, वो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य हो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पूंजी का निर्माण कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा मुझे मुनाफा होना चाहिए। तो वहां पे संगठन में कुछ सिद्धांत आपको क्या करने पड़ेंगे, अपनाने पड़ेंगे, और उसी सिद्धांतों पे जब आप कार्य करेंगे तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे
परीक्षा आपको देना है, तो परीक्षा आप चाहते हैं कि भाई परीक्षा में आपको एक अच्छा परिणाम प्राप्त हो, तो परीक्षा में एक अच्छा परिणाम तभी प्राप्त होगा जब कुछ सिद्धांत आप बनाएं और उन सिद्धांतों को आप व्यवहारिक रूप में लागू करें, तब जाकर कहीं ना कहीं एक प्रकार के परिणाम की प्राप्ति होगी। अब जो पोस्ट कोर व्यू है बच्चे, वहाँ पी फॉर प्लानिंग है, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन है, एस फॉर स्टाफिंग है, डी फॉर द डायरेक्टिंग है, सीओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग है, आर फॉर रिपोर्टिंग है और बी फॉर बजटिंग है। तो कोई भी संगठन होगा बच्चे, वो संगठन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कोई संगठन है उसे अपने उद्देश्य प्राप्त करने हैं तो प्लानिंग करेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन, एस मतलब स्टाफिंग का मतलब होता है कार्मिक, यानी कुछ कार्मिक सदस्यों को क्या करेगा, नियुक्त करेगा, और जो कार्मिक सदस्य होंगे उनको डायरेक्शंस देने वाले भी लोग होंगे जो उनके कार्यों को बताएंगे, और जो कार्मिक सदस्य हैं उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और प्लस मैनेजमेंट के बीच में भी क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट और कार्मिक के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, या विभाग जो होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आर फॉर क्या होता है, रिपोर्टिंग, यानी जो भी कार्य किया जाएगा उसका एक प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा। और बी फॉर जो होता है बच्चे, बजटिंग, कोई भी संगठन होता है तो वहां पे क्या होता है, एक उसका बजट होना चाहिए, और उस बजट के द्वारा ही वो अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को क्या करता है, प्राप्त करता है। तो ये पोस्ट कोर में आपसे कभी भी स्टैंड फॉर करके पूछ सकता है बच्चे। स्टैंड फॉर करके क्वेश्चन वैसे तो एमए पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेता है, डीएसएसवी में, पीजीटी में ये पूछा जा सकता है कि पोस्ट कोर का कंसेप्ट किसके थ्रू दिया गया है, और जो पोस्ट कोर कंसेप्ट है ये अप्लाई कहां पे करता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो चाहे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों जगह पे ये क्या करता है, काम करता है। अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चे, और जो लूथर गुली का पोस्ट कोर कंसेप्ट है बच्चे, इसको एक तरह से क्रिटिसाइज भी किया जाता है, आलोचना भी किया जाता है, और जो पोस्ट कोर दृष्टिकोण है इसकी आलोचना किसके द्वारा की जाती है, तो लेविस मेरियम जो है वो बड़े लेवल पे पोस्ट कोर व्यू को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और उनकी बुक है बच्चे जिसमें इन्होंने पोस्ट कोर बुक के कंसेप्ट को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, और उस बुक का नाम है पब्लिक सर्विस एंड स्पेशल ट्रेनिंग। इसी में उन्होंने पोस्ट कोर दृष्टिकोण को क्या किया था, बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज किया था। तो तीन हमने लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने के लिए हमने तीन दृष्टिकोण देखा। चौथा जो दृष्टिकोण है बच्चे वो है वेलफेयर व्यू, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। अब जो आज के समय में आप देखेंगे तो राज्य का काम सिर्फ ये नहीं है सुरक्षा देना, आंतरिक सुरक्षा देना, राज्य जो है बच्चे वो कल्याणकारी, कल्याण जनता के कल्याण से संबंधित बहुत सारे कार्यों को क्या कर रहा है। तो राज्य जो है आज के समय में क्या हो रहा है, कल्याणकारी हो रहा है। तो जहां राज्य अगर कल्याणकारी भूमिका में है तो उसका प्रशासन भी तो किस भूमिका में आएगा, कल्याणकारी भूमिका में, यानी राज्य का काम भी है जनहित के, जनहित में कार्य करना, और लोक प्रशासन का भी कार्य क्या है, जनता की क्या करना, सेवा करना। तो अगर आप लोक प्रशासन को अगर देख रहे हैं और लोक प्रशासन को अगर आप समझना चाहते हैं तो इन सभी दृष्टिकोणों के द्वारा आप उन चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला जो हमें पॉइंट समझना है बच्चे, वो समझना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता है। तो हेनरी फ्योल, मेरी पी फॉलेट, एल उर्विक जैसे कुछ विचारक मानते हैं कि सभी प्रकार के प्रशासन एक होते हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर का एडमिनिस्ट्रेशन हो और प्राइवेट सेक्टर का, वहां पे एक जैसी हमें क्या होती है, समानता होती है। लेकिन लोक और लोकोत्तर, नॉन पब्लिक प्रशासन और देसी प्रशासन के बीच में कोई भेद नहीं मानते, यानी कुछ लोग मानते हैं कि प्रशासन जो है वो दोनों जगह पे क्या है, एक जैसा है, कुछ विचारकों का मानना। लेकिन कुछ विचारक मानते हैं कि नहीं, जो निजी प्रशासन है यानी जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अंतर होता है, यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानताएं होती हैं। और इसको आगे समझते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में अनेक समानताएं होते हुए भी भिन्नताएं एवं विरोधाभास पाए जाते हैं। हर्बर्ट साइमन, जोसिया स्टैम्प, पॉल एच एपली जैसे विचारक ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच व्याप्त असमानताओं को क्या किया है, उजागर किया। अब क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चे यहाँ पे, कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानताएं किसके द्वारा की गई हैं, या असमानता को कौन बेहतर तरीके से समझाते हैं। तो वहां पे बच्चे ध्यान में रखना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो असमानताएं की हर्बर्ट साइमन, जोसिया स्टैम्प, पॉल एच एपलबी जो विचारक हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या करते हैं, विरोध करते हैं बच्चे।
क्योंकि वहां विरोध इसलिए करना पड़ता है कि जो निजी प्रशासन होता है बच्चे, वो आंतरिक हितों को काफी अधिक महत्व देता है सार्वजनिक हितों के जगह पे। यानी एक निजी संगठन होगा बच्चे, तो वो वहीं पर कार्य करना ज्यादा बेहतर समझता है जहां पर उसे मुनाफा होगा। जबकि पब्लिक लोक प्रशासन है, उसके लिए तो पूरा समाज और पूरा राज्य क्षेत्र जो है उसके कार्य का एक दायरा होता है, तो वो सिर्फ किसी एक ग्रुप को टारगेट नहीं करता या किसी एक समुदाय को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टारगेट नहीं करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पूरे क्षेत्र आते हैं, और जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं बच्चे, तो वहां पे बहुत सारी जटिलताएं भी आती हैं काम करने में। जब सरकार काम करेगी तो बहुत तरह की जटिलताएं आएंगी, जैसे सरकार ने लॉकडाउन कोरोना वायरस के अंदर लॉकडाउन को क्या हुआ, पूरी तरह से लागू किया। अब लॉकडाउन पूरी तरह से या कोरोना जो टेस्ट हैं वो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटलों में हो रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं हो रहे, तो निजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोरोना जैसी चीज़ों को क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं निजी जो क्षेत्र होता है वो अपना फायदा देखता है, जबकि पब्लिक जो होता है बच्चे वो पूरे कल्याण के लिए काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं उन दोनों में एक प्रकार की क्या आ जाती है, विभिन्नताएँ आ जाती हैं, और एक प्रकार की विभिन्नताएँ हमें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, और अब हमें समझना होता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के विषय के रूप में विकास, कि जो लोक प्रशासन है बच्चे, ये एक डिसिप्लिन के रूप में कब से विकसित होना शुरू हुआ, कब से इसका विकास शुरू होता है। तो लोक प्रशासन का जो पहला चरण है बच्चे, जो फर्स्ट स्टेज है, वो है 1887 टू 1926। लोक प्रशासन का ये पहला चरण था जहां पे लोक प्रशासन के विकास का प्रारंभ वुड्रो विल्सन के लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, लेख है उनका द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो साइंस क्वार्टरली में 1887 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और यही चरण माना जाता है जहां पे राजनीति को एक प्रकार से प्रशासन से क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। यानी राजनीति और प्रशासन का जो विभाजन था वो पहले चरण में था, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन पहले चरण में ही बोलते हैं कि राजनीति और प्रशासन का जो विभाजन है वो पहले चरण में है, फर्स्ट में, जहां पे राजनीति, यानी राजनीति जो है उसका क्षेत्र अलग होता है और प्रशासन का क्षेत्र जो होता है वो अलग होता है। राजनीति के अंतर्गत प्रशासन जो है वो कार्य करेगी, लेकिन प्रशासन जो है वो राजनीति में भागीदार नहीं होगी। राजनीति के द्वारा जो भी जनता के हित में कार्य करने होंगे उसका निर्णय राजनीति के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का आपको प्रशासन होना चाहिए। दूसरा चरण जो शुरू होता है बच्चे, वो 1927 टू 1937 जो लोक प्रशासन का सेकेंड फेज है बच्चे, और यहाँ पे बोला गया कि लोक प्रशासन को एक पृथक वैज्ञानिक विषय के रूप में क्या किया जाए, स्थापित किया जाए, और लोक प्रशासन के भी कुछ सिद्धांत हो सकते हैं। और पहली लोक प्रकाशन पे जो बुक आई थी बच्चे, फर्स्ट बुक, ये ध्यान में रखना है कि पहली लोक प्रकाशन पे जो बुक आई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो 1927 में आती है, W.F. विलोबी की। पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे लोक प्रशासन के भी सिद्धांतों का क्या किया गया, निर्माण किया गया, कि लोक प्रशासन के भी कुछ सिद्धांत है और इन सिद्धांतों को अपनाकर लोक प्रशासन जो है अपने उद्देश्यों को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो ये द्वितीय चरण में रखा गया था। तीसरा जो चरण है बच्चे, वो 1938 टू 1947 है। प्रशासन के जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण थे, कि प्रशासन के भी सिद्धांत हो गए, उसको लोगों ने चुनौतियां देना शुरू किया, प्रशासन के जो सिद्धांत थे उसका खंडन होना शुरू हुआ। इन्होंने जो तीसरा चरण था उसने ये बोलना शुरू किया कि नहीं, प्रशासन के अंदर सिर्फ संगठन महत्वपूर्ण नहीं होता, जो संगठन के सदस्य हैं, जो संगठन में लोग कार्य कर रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, और जो लोग हैं वहां पे उनका व्यवहार कहीं ना कहीं लोक प्रशासन को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो सिर्फ सिद्धांत से उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है, लोगों के व्यवहारों को भी जानना पड़ेगा, और लोगों के व्यवहार जो है वो कहीं ना कहीं लोक प्रशासन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो संगठन एवं प्रबंधन में इन्होंने मानविकीय बनाने पर क्या किया, प्रक्रिया पर बल दिया। इन्होंने बोला कि जो संगठन है, जो लोक प्रशासन है, वो एक मानवीय क्रिया है, वहां पे मानव लोग ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और जो सिद्धांत थे बच्चे, उसको बड़े लेवल पर एक तरह से आलोचना किया गया, जैसे चेस्टर बर्नार्ड, रॉबर्ट डहल, हर्बर्ट साइमन, ये वो विचारक थे बच्चे जो एक तरह से
व्यवहारवादी विचारक थे, मतलब मनोविज्ञान जैसी चीजों का एक तरह से क्या हो रहा था, विकास हो रहा था, और ये लोग व्यवहार को क्या कर रहे थे, महत्व दे रहे थे। यानी लोक प्रशासन में लोगों के व्यवहारों का भी हमें क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। प्रबंधन में जो लोग हैं उनके भी व्यवहारों का अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम व्यवहारों का अध्ययन नहीं करते हैं तब तक संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसमें विचारक जो हैं बच्चे वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चेस्टर बर्नार्ड, रॉबर्ट डहल, हार्बर्ट साइमन, कहने का मतलब ये नहीं कि यहीं पे मैं विचारक के बारे में बता रहा हूँ, आगे हम लोग जब सिद्धांत पढ़ेंगे, संगठन के सिद्धांत पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक-एक हम लोग विचारकों को जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिन्होंने काम किया था उन लोगों के बारे में बात करते हैं। जो फोर्थ फेज है बच्चे, इसे लोक प्रशासन की विकास यात्रा के इस चरण को पहचान का संकट बोलते हैं, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। यानी 1948 से लेकर 1917 तक का जो पीरियड है बच्चे, इसको क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटीज बोला जाता है। कहने का मतलब लोक प्रशासन के सिद्धांत और लोक प्रशासन के कार्यों पर एक प्रकार से क्या होने लगता है, प्रश्न उठने लगता है, और लोक प्रशासन को लेकर इतना बड़ा एक मतभेद क्रिएट हो जाता है कि बहुत सारे जो लोग राजनीति से लोक प्रशासन में अध्ययन करने आए थे वो लोक प्रशासन को छोड़कर राजनीति के तरफ मूव कर गए। तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे लोक प्रशासन के एक पहचान पर ही क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हुआ। और जो पांचवा फेज है बच्चे, वो 1970 से लेकर 1997, यहाँ पे लोक प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के रूप में देखना शुरू किया जाता है। यानी लोक प्रशासन में देखा जा रहा था कि लोक प्रशासन एक शासन कर रही थी, लोक प्रशासन शासन करते हुए कुछ सिद्धांतों को फॉलो करे। जब शासन किया जाता है तो लोगों के व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि किस प्रकार के लोगों को हमें शासन करना करने का अधिकार देना चाहिए। जो नवीन लोक प्रशासन था बच्चे, यहाँ पे लोक नीतियों का विश्लेषण करना शुरू हुआ, लोक प्रशासन को एक नीति विज्ञान के रूप में देखना शुरू किया, और यहाँ पे नीतियों का निर्माण करना एक प्रकार से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है बच्चे। तो पांचवें फेज में लोक प्रशासन को एक पब्लिक पॉलिसीज के रूप में देखना शुरू कर दिया जाता है। यानी जो फिफ्थ फेज है बच्चे, वो नवीन लोक प्रशासन है। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1970 to 1919 का जो फेज है, इस फेज को किस नाम से पहचाना जाता है, तो इसके यहाँ पे बताना है नवीन लोक प्रशासन। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटीज ये पीरियड कौन सा है, तो 1948 to 1970 ये बच्चे पेपर में पूछा जाता है। और जो अंतिम चरण है बच्चे, वैसे तो पांच ही हैं, अंतिम चरण जो शुरू होता है वो 1991 में शुरू होता है, और ये चरण था उदारीकरण का, निजीकरण का और वैश्वीकरण का, जहां पे एलपीजी रिजिम आया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलकर साथ साथ क्या करने लग गए, काम करने लगे। तो कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप में लोक प्रशासन को उदारीकरण ने भी प्रभावित किया, अब करती करता है, निजीकरण भी प्रभावित करता है, और वैश्वीकरण भी क्या करता है, लोक प्रशासन को एक तरह से बच्चे प्रभावित करता है। तो ये लोक प्रशासन का पूरा एक विकास का चरण है, जिसको एक प्रकार से आपको क्या करना है, देखना है फॉर अ एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए, जो काफी एक तरह से उपयोगी होता है। और इन सारी चीजों को एक प्रकार से आपको क्या करना है, महत्व देना है। दूसरी जो चीजें बच्चे ध्यान में रखना है, वो ध्यान में हमें रख लेना है, जो चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में बस इतना ही बच्चे। अगला जो हम लोक प्रशासन के अंदर शुरू करेंगे वो करेंगे संगठन के सिद्धांतों से। तो हम लोग अगली क्लास में संगठन के सिद्धांत के बारे में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।